ब्रिगेडियर वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो भारत में इस वक्त सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि कई आज़ादी की तहरीक वैसे ही सरगर्म है भारत में, चाहे वो दलित हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो मुसलमान हो। दूसरी जानब अब मसीहियों के खिलाफ भी एक नया महाज खोल दिया गया है। मणिपुर में ये 371 के तहत जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी को मराहत दी जाती हैं, उनको वापस लेने का, उनको रोकने के हवाले से मुहिम जारी है बीजेपी की जानब से। एक साथ बहुत सारे महाज खोल लिए गए हैं मोदी सरकार की जानब से, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट है, इसका डेमोग्राफिक जानना भी जरूरी है। मणिपुर नॉट दी ओनली स्टेट जो जिसमें क्रिश्चियन तादाद है सब्सटेंशियल, जो है चार रियासतें हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें नागालैंड है, देन यू हैव मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, यहाँ ऑलमोस्ट क्रिश्चियन मेजोरिटी है। तो एक तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसमें जितने भी इलाके हैं जिसमें ऑक्युपाइड कश्मीर है, ऑल्दो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, उसको टारगेट किया गया और 371-35A पर ब्रिगेड किया गया। सेम इज आई थिंक हैपनिंग नाउ इन इंडियन नॉर्थ ईस्ट, और मणिपुर के बाद बाकियों की बारी आएगी। इसमें जो 371C लगा हुआ है, जिसके तहत कुछ इनको राइट्स हासिल हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, बस कोई वहां पे जैसे लैंड खरीद नहीं सकता, तो एक जो फैक्टर है। दूसरा जो दिनपा का एजेंडा है 2024, उसमें बड़े जोरों शोर के साथ RSS मूव कर रही है। उसमें अभी मेनली मणिपुर में जो क्रिश्चियन हिंदू कम्युनिटी को लड़ाए गए हैं, दोनों ट्राइबल ही बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, ये इंडियन स्टॉक के लोग नहीं है, दे आर बेसिकली बमो मंगोलाइट, ये डिफरेंट रेस है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से इंटेग्रेट किया गया इनको पार्टीशन के बाद। तो अभी जो है वहाँ पे जो इंफाल वैली है मणिपुर में, दैट इज मेनली हिंदू माइटी कम्युनिटी है, और ऊपर हिल्स में है कुकीज और नागाज हैं जो बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिनको लड़ा के भी एक स्पेस क्रिएट की जा रही है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा और फिर हिंदू जो कम्युनिटी है उससे लेके तो प्रॉब्ली RSS बीजेपी समझती है कि वो मेजोरिटी में यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी, और सेम मैसेज विल गो टू रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आई थिंक एक तो ये है। दूसरा, जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने आई थिंक बड़े अरसे बाद इतना की बातचीत हुई है, जो रेजोल्यूशन, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज लॉट ऑफ क्रिश्चियन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दे वर्क इन यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में, उनके अपने प्रेशर ग्रुप्स हैं, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी शोर मचाया। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक लाइक ईस्ट मोर, अभी इंडियन नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है दुनिया का, कि यहाँ पे किस्म के साथ ज्यादती हो रही है। ओवरऑल इंडिया में अगर आप देखें तो 23% है अपर कास्ट, और इसमें बाकी 77% कार्डर्स जो है आप कह लें मुस्लिम हैं, देन यू हैव क्रिश्चियन, सिख, दलित हैं, और शूद्रास को पूरा आप शामिल करें, 77% जो मेजोरिटी है इसको आगे लगाया हुआ है 23% माइनॉरिटी ने एक्चुअली, और लेकिन डिवाइड किया हुआ है। तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी, लेकिन इसमें अभी ये स्ट्रेटजी कामयाब होती नजर नहीं आती, बिकॉज अगर ये इसी तरीके से हालात चलते हैं और आगो खून का दरिया बहता रहेगा, तो इंडियन नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद जो इंडियन नॉर्थ वेस्ट बनता है जिसमें ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन पंजाब शामिल है और हिमाचल है और साउथ, ये तीन ऐसे जोन हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा यूरस भी हो सकती है। एंड लाइक बराक ओबामा ने कहा था कि इंडिया कैन स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम इनसाइड, तो चांसेस हैं कि 10 ईयर डाउन द लाइन ये इंडिया के अंदर जो शिकस्त और रीक शुरू हो जाए। लेकिन RSS वॉन्ट्स बोथ, और वो इसी एजेंडे के तहत जो है माइनॉरिटीज को दबा के रखते हैं। ठीक, तो मजमू तौर पर देखा ये जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा किया जाता है भारत की जानिब से, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो लोग हैं, ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी कई नस्लें यहाँ पर पैदा हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर वकार सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, और नुमाइंदा खसूसी बोल सलमान अवान ने हमें तफसीलात से आगाह किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है कड़ा है वक्त गुजर जाएगा, अब जिंदगी फैसले की घड़ी सारी मईशत के धर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले तुझ पे ये कैसी कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान खुश।
खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूँ बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।